छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ योग किया और कहा कि भारत में ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया था। योग ऐसी विधा है जिसमें तमाम बीमारियों का इलाज हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी नगरवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दिया। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, कुछ भी रहेगा तो आपको बाहर पता ना चले कि हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो हम जब करते हैं नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम के बाद आता है। तो हमारी जो है ये तीसरा जो नेत्र है, थर्ड आई जिसको हम बोलते हैं, जिसे ज्ञान चक्र हम बोलते हैं, इस उसको एक्टिवेट करने के लिए होता है। आज 21 जून के अवसर पर नगर निगम गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें सभी अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित हुए और इस बात पर, योग और प्राणायाम के अलावा, इस बात पर चर्चा हुई कि वर्तमान परिदृश्य में कोविड-19 में योग एक अच्छा साधन हो सकता है मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का। इसलिए इस योग का अभ्यास हमेशा प्रतिदिन नियमित करना चाहिए। और यह भी कि ये हम लोगों के लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि हमारी प्राचीन परंपरा के योग को विश्व के पटल पर मान्यता मिली। तो विश्व योग दिवस पर सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, नगर निगम परिवार की ओर से शुभकामनाएं और अपील ये है कि योग को अपने जीवन में शामिल करें।